इलेक्ट्रिशियन हजरात जो हैं सामान वगैरह ले जाते हैं, इसमें बाकी कॉयले वगैरह होती हैं, इनमें कोपन वगैरह निकलते हैं, ये कोपन मालिक का है या फिर इलेक्ट्रिशियन लोगों का? बाजों का इलेक्ट्रिशियन ये बोलते हैं हम पार्टी लेकर आते हैं, हमारे कमीशन रख लेना, ये कर लेना, इस तरीके के सवाल आते हैं, इसका क्या है, इसकी जरा वजाहत फरमा दीजिए आप। प्लम्बर लेकर आता है हमारे पास कस्टमर को, वो 1-1.5 घंटा हमारा जाया करता है। माल इधर से ला कर देते हैं उसको, उधर से ला कर मतलब माल उसको पूरा करके दे देते हैं हम लोग। फिर वो प्लम्बर हम लोगों से आकर बोलता है कि लाओ भाई हमारा कमीशन दो हमारे को, इतना बड़ा कस्टमर लाया हूँ मैं, 1-1.5 घंटा मैंने जाया किया तुम्हारे पास खड़े होकर, तो अब हमारे को उसको देना है या नहीं, का ऐसा मुतालबा करना कैसा है हमारे लिए। पहले में एक सूरत ये थी कि वो कोई चीज़ लेते हैं तो उसमें कूपन निकलता है, अब कूपन पे रखी होती है लिखी होती कीमत, अब जो कूपन देगा उसको उसकी रकम मिलेगी। जैसे रंग के डब्बे में भी ये सिलसिला होता है कि वो कूपन निकलेगा, तो अब इसमें जो कलर करने वाला होता है वो, इसी तरह ये प्लम्बर वगैरह ये या तो छुपा के रख लेते हैं अपने पास और जाके वो मालिक से रकम हासिल कर लेते हैं, जो काम करवा रहा है उसको पता ही नहीं होता कि इसके अंदर से ये कूपन निकला है जिसमें मेरे 500-600 रुपये बन जाएंगे, तो ये जाके उनका लेना कैसा। और साथ ही साथ इसकी दूसरी सूरत ये पूछी गई थी कि कोई ग्राहक लेकर आए, यानी कोई प्लम्बर गया काम के लिए, अब वो घर वाले को जो भी सामान चाहिए उसको लेकर आता है इनके पास और इनसे इसका कमीशन मांगता है। ज़्यादा ये इन्होंने चोरी की, कूपन इन्होंने छुपा लिया, सीधी सीधी चोरी है और हराम और जहन्नम में ले जाने वाला काम है। इसी तरह जो ये इस तरह कमीशन मांगते हैं ना, ये भी हराम है। इनको ये कमीशन मांगना नहीं चाहिए, बेचने दुकानदार को देना भी नहीं चाहिए, वो देगा तो भी गुनाहगार होगा। ये रिश्वत की सूरत है। अगर पहले से अंडरस्टैंडिंग है तो कि तुम मेरी दुकान पर लाना और जितने लाएगा ना, जितने का जैसे वो डॉक्टर वगैरह का होता है ना बाबा, ये भी है, ये कारपेंटर हैं, ये सबके ये तरकीबें होती है। वो होटलें होती है ना बाबा जिसमें वो लोग किराए के मकान, वो टैक्सी वालों से तरकीब बनाते हैं। ये जब एयरपोर्ट पर तुमको उतरे तो उमूमन लोग पूछते हैं यार कौन सी होटल सही है, तो टैक्सी वाला उठा के उसी होटल पे ले जाएगा और उस होटल पर वो कमरा भी दिला देगा और उसकी उसको कमीशन मिल जाएगी। तो होटल चलाने वालों को ज्यादा से ज्यादा अपने ये टैक्सी ड्राइवरों से तरकीब बनानी पड़ती है। अब जो इस तरह का जो माहौल बना हुआ है इसका क्या? इस तरह के जो कमीशन है ना, कारपेंटर के कलर करते हैं जो इनके, या जो तामीरात करते हैं कंस्ट्रक्शन करते हैं, इन सब के कमीशन बंदे भी होते हैं। इसी तरह ड्राइवरों के, बड़ी बड़ी जो बसें ले जाते हैं या टैक्सियां ले जाते हैं, ये खास होटल पर रुकते हैं, वहाँ इनके कमीशन होते हैं, या कम से कम ये कमीशन होता है कि मुफ्त में खाओ पियो, ये भी रिश्वत है। ये सारी ये रिश्वतें हैं, हराम है, लेना भी हराम देना भी हराम। इस कारोबार करने वाले से मैं, ये जितने भी इस तरह के कारोबार करने वाले हैं, क्योंकि बाबा मार्केट का ये एक ट्रेंड है जिसके इस वक्त आप मतलब यूँ समझे कि हम बिल्कुल वो मुखालिफ हवा चल रहे हैं, क्योंकि ये ऐसे कई कारोबार हैं कि जिस कारोबार को शुरू करने से पहले जब तजर्बेकार आदमी से मशवरा करेंगे ना मार्केट के, अरे कोई मसला नहीं आप खोल लो, आप फलां फलां तरकीब बना लेना, फलां तरकीब बना लेना, उससे बात कर लेना, उससे बात कर लेना, जब तक कि जिस चीज़ को इस वक्त आप मना कर रहे हैं ना, जब तक कि इन तमाम कामों को वो कर नहीं लेगा उसकी दुकान चलेगी नहीं, उसका कारोबार चलेगा नहीं। ये मार्केट ट्रेंड की बात कर रहा हूँ बाजार जो इसका चांस है, लिहाजा इसमें ज़रूरी है कि तवक्कुल पर उसको यकीन होना चाहिए, तवक्कुल पर उसकी नज़र होनी चाहिए और जायज़ और हलाल तरीके से वो करे, क्योंकि ये बहुत यूँ समझे कि बहुत बड़ा कैंसर बन गया है। ये बहुत बड़ा काम का, यूँ समझे कि आप काम के बहुत बड़े हिस्से को आप कुल्हाड़े से ख़त्म कर रहे हैं, आप काट रहे इसको कि इसको काट दो, अब ये काटने के बाद इसका ये खोलेगा मैं कारोबार करूँ कैसे, ये पहला इनका जहन में सवाल आएगा, अब ये कारोबार करे कैसे, इस पर अब इसको गौर कर लेना चाहिए, क्योंकि इसके बगैर ये टैक्सी ड्राइवरों को मना कर देगा, स्टोर वालों को मना कर देगा, प्लम्बरों को मना कर देगा, फला फला को मना कर देगा कि भाई देखो तुमको लाना है लाना, नहीं लाना तो नहीं लाना, मैंने अब तुमको 1 रुपया देना नहीं है। ये जुमला जबान से निकाला ना बाबा, ये जिसको पैसा चाहिए, जिसको आमदनी चाहिए, जो मार्केट में बैठे कारोबार करने के लिए, उसके लिए ये जुमला मुंह से निकालना है ना, ये कोई आसान काम नहीं है, उसको रब पर बड़ा भरोसा करना पड़ेगा, तवक्कुल करना पड़ेगा और इस तरह उसको हराम हलाल की तमीज़ अपने अंदर पैदा करनी पड़ेगी। ये है इंटरनेशनल प्रॉब्लम बिल्कुल, आप जो यही अर्ज कर रहा बाबा, इस वक्त जो इश्यू है ना, ये यूँ समझे कि अगर कोई गुस्सा होगा ना तो इसको यूँ बैठा हुआ होगा, हैं अब क्या करें, या तो हो सकता कोई यार हाने करो करो, अब क्या करें, ऐसे कैसे काम चलेगा, बात होंगे अब इनको खाली बातें करने आती हैं, बात शायद ऐसे भी होते हैं, इनको खाली बातें करने आती है, हाँ मार्केट में बैठे तो पता चले कारोबार कैसे होता है। तो यूं मतलब कि ये एक तबका होता है जो मतलब मुख्तलिफ, बाज़ हुस्सास होते हैं, बाज़ होते हैं कि यार वाह करो यार हम बदल जाएँ, बाज़ ऐसे होते हैं और बाज़ होते हैं जो बिल्कुल अगेंस्ट चल रहे होते हैं, वैसे हम चलेंगे हम यूँ चलेंगे तो वो भी यूँ ही आएंगे, चलो हम भी टकराते हैं देखते तुम लोग क्या कर लेते हो। तो ये तबका है और ये बहुत बड़ा हिस्सा जो है ना आप कारोबार का काट रहे हो,
अब इस पर इसको थोड़ी यकीन दहानी करवाएं बाबा, इसके ईमान को, इसके जज्बे को थोड़ा सा उभारे ताकि ये इस गलत और बुरे काम से तौबा करे, तो उम्मीद है कि बहुत फायदा होगा अल्लाह की रहमत से। ये ना कि सर भरोसा अल्लाह पर करे, ये भरोसा असबाब पर करते हैं कि हम रिश्वत नहीं देंगे, इसको रिश्वत तस्लीम भी नहीं करते, ये समझ हम खुशी से करते हैं ना, जुआ भी तो खुशी से खेलते हैं क्योंकि हलाल हो जाएगा, शराब भी खुशी से पीते हैं हलाल हो जाएगी क्या। तो मीठे मीठे सही भाइयों, असल जो मालिक है रोजी का वो अल्लाह है, जितना मुकद्दर है उतना मिलकर रहेगा, उसने जब तक जिंदा रखना मंजूर फरमाया वो अपने करम से रोजी फराहम करेगा। देखिए मैं मुसलमान से बात कर रहा हूँ, ए मुसलमानों जो कुरान उस नबी पर जिसका आपने कलिमा पढ़ा नाजिल हुआ उसके बारहवें पारे की इसकी इब्तिदा इस आयत करीमा से हो रही है। मेरे आका निमत इमाम अहले सुन्नत अज़ीमुल बरकत अज़ीमुल मर्तबत परवाना शमा रिसालत मुजद्दिद दीन व मिल्लत मौलाना शाह इमाम अहमद रज़ा खान अलैह रहमतुर रहमान अपने शोरा आफाक तर्जमा कुरान कंजुल ईमान में इसका तर्जमा कुछ यूं करते हैं, और जमीन पर चलने वाला कोई यानी जानदार हो ऐसा नहीं जिसका रिस्क अल्लाह के जिम्मा करम पर ना हो, यानी वो अपने फजल से हर जानदार के रिस्क का कफील है, अपने जिम्मे करम पर लिया है कि जिसको जितना उसने जिंदा रखना वो रोजी फराहम करेगा, उसको अता फरमाएगा, उसके करम पर है। तो जब आप हम मुसलमान हैं अल्लाह पर ईमान है, और अगर कहेंगे भाई अल्लाह को मानते हो क्यों नहीं मानते, क्या मुसलमान नहीं है, तो हम भी यही कह रहे हैं अल्लाह को जैसा मानने का हक है वैसा मानो ना, रोजी पलम्बर दे रहा है मानते अल्लाह को, रोजी कारपेंटर दे रहा है ये भी तो उससे रिश्वत का लेन देन कर रहे हो और रिश्वत तस्लीम नहीं करते हो, ये रिश्वत नहीं है तो फिर ये क्या है, ये रिश्वत है या नहीं है उलमा तय करेंगे, आप तय करेंगे, जिनको मतलब नमाज के फर्ज भी मालूम नहीं है, दो कलमे याद नहीं है वो तय करेंगे, ये तो उलमा करेंगे, तो उलमा ने तय किया कि रिश्वत है, इसलिए इससे तोबा कर लीजिए, और जिस जिससे रिश्वत लिया है वो लौटाना पड़ेगा। दुकानदार भी तोबा करें, हलाल सुथरी रोजी खाए, शुरू में हो सकता है आजमाइश भी होगी, गाहक टूट जाएंगे आपके, लेकिन आहिस्ता 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 इंशाअल्लाह तरकीब बन जाएगी, अल्लाह ताला अपने खजाने गैब से वो अता करेगा और वहां से देगा जहां से आपका तसव्वुर भी नहीं होगा। दो निवाले कम खाएं मगर हलाल खाएं, इस पर आ जाओ ना, हराम में क्या बरकत है। बाबा बाज लोगों को मैंने देखा है, कुछ पढ़ा भी है इस मामले में, कि उनको पता है कि हमारी रोजी हराम की है लेकिन वो छोड़ने की बाबा हिम्मत नहीं रखते, कहते हैं कि यार बस कोई दूसरा जैसे ही मुझे ऑल्टरनेट मिल जाएगा मैं ये छोड़ दूंगा, ये इनका जुमला मैंने भी सुना है, जैसे ही कोई ऑल्टरनेट मिलेगा मैं छोड़ दूंगा। अब ऑल्टरनेट बेचारे को मिलता नहीं है, वो कुर्ता रहता है लेकिन हराम रोजी छोड़ता नहीं है, ऐसे बहुत सारे हराम काम करते हैं, ऐसे इदारों में काम करते हैं जहाँ इनकी आमदनियाँ काम करना सब नाजायज़ और हराम होता है, मगर चूँकि तनख्वाहें या मुराहतें या जो भी आप कह लीजिए वो कुछ इनको नुमाया तौर पर मिल रही होती हैं, फैमिली होती है, बी बच्चे होते हैं, कह यार हम छोड़ देंगे, बेरोज़गारी है, कुछ मिलेगा नहीं, बी बच्चों का क्या बनेगा, तो घर से बाजों का सपोर्ट नहीं होता, या हो सकता है कि ये भी हो कि आप जज्बाती मत होइएगा, ठीक है ये समझा रहे हैं लेकिन आप कोशिश कीजिए कोई मिल जाएगा तो हम छोड़ देंगे, हमारी नीयत तो है ना छोड़ने की, हमारा इरादा तो अच्छा है, इनके बारे में बाबा आप क्या मदनी फूल अता फरमाएंगे। एक तो जिंदगी का भरोसा नहीं है, हदीस पाक में है के बनी आदम यानी इंसान के पेट में जब हराम का लुकमा पड़ा तो जमीन और आसमान का हर फरिश्ता उस पर लानत करेगा, जब तक के वो लुकमा उसके पेट में रहेगा, और अगर इसी हालत में मर गया तो उसका ठिकाना जहन्नम होगा। जाएगा जब जहां से, जाएगा जब जहां से, कुछ भी ना पास होगा, जाएगा जब जहां से, कुछ भी ना पास होगा, कफन का कपड़ा तेरा वास होगा। तो सब कुछ यहीं रह जाएगा, साथ आमाल जाएंगे अच्छे या बुरे, अल्लाह ताला हमारी कब्र को जन्नत का बाग बनाए।
आमीन। ए मेरे वो इस्लामी भाइयों, जो झूठ हो या सच हो, जो भी करके शराब बेचने का परमिट और लाइसेंस हासिल करते हो, जुए के अड्डे चलाने का इजाज़त नामा हासिल करते हो, अपनी दुकानों और स्टोर के अंदर शराब बेचते हो, सुअर का गोश्त बेचते हो और कहते हो कि मैं मुसलमानों को नहीं, मैं तो गैर मुस्लिमों को बेचता हूँ, मैं ये भी करता हूँ, मैं वो भी करता हूँ, और तरह तरह के नाजायज़ और हराम अशिया का कारोबार करने वाले इस्लामी भाइयों, बराए करम इन मदनी फूलों पर तवज्जो करें कि एक दिन मरना है, आखिर मौत है, कर ले जो करना है, आखिर मौत है। लिहाजा बराए करम अपने कारोबार का, अपने जो भी ज़राए आमदनी है, जो भी आप लाइसेंस का काम करते हैं, परमिट का काम करते हैं, प्लम्बर का काम करते हैं, इलेक्ट्रिशियन का काम करते हैं, दुनिया का कोई भी आप कारोबार करते हैं, बराए करम, बराए करम, बराए करम अपने कारोबार का एक एक मतलब के हिस्सा चेक कीजिए, चेक करवाइए। लोगों की खुशामदों में ना जाइए। लोग उमूमन पैसे वालों की बहुत खुशामद करते हैं, लोग पैसे वालों के लिए बहुत अजीबोगरीब बातें करते हैं। इन बेचारों को सोचने का मौका भी नहीं मिलता कि हम हलाल कमा रहे हैं, हराम कमा रहे हैं। वो अपनी वो जो चारों तरफ इनकी जो पोजीशन बनी हुई है उसी के पीछे बेचारे वो पागल हो गए हैं। लेकिन इस वक्त जो कुछ आपको मदनी चैनल के ज़रिए कहा जा रहा है, समझाया जा रहा है, असल खैरख्वाह आपके सामने अमीर सुन्नत की ज़ात आपको समझा रही है, आपका गमख्वार आपको समझा रहा है, आपका आपकी मदद करने वाले इस वक्त आपकी मदद कर रहा है। दलदल में धंसे हैं हम भी समझते हैं, दलदल में धंसा हुआ आदमी अपनी ताकत से निकलने की ताकत नहीं रखता। हाथ दीजिए, इस वक्त अमीर सुन्नत की ज़ात आपकी तरफ अपना हाथ बढ़ा रही है। वो इस्लामी भाई जो निकलना चाहते हैं, हाथ बढ़ाएं। ये तसव्वुर की बात है, ख्यालत की बात है, और इनकी बातों पर अमल करें, कोशिश कीजिए। इंशाल्लाह तबारक व ताला उम्मीद है कि आप निकल आएंगे। मुझे अपनी और सारी दुनिया के लोगों की इस्लाह की कोशिश करनी है। इंशाल्लाह।